हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। और आज हम सीखेंगे कि आप कोरल ड्रॉ में कितने लोगों का कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी लोगो या बिटमैप फाइल जो नेट से डाउनलोड करते हैं, आप उसका कलर रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी आप कलर चाहें उसको आप एक ही क्लिक में कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपने कोरल ड्रॉ में एक लोगो जो है कि नेट से डाउनलोड किया हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, रिप्लेस करना है। अगर मैं इसको ट्रेस करूँगा तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हर चीज़ को आपको ट्रेस करने के बाद वो क्वालिटी नहीं मिलती है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पेन टूल से ट्रेस करूँ और उसके बाद इसको एक एक कलर चेंज करूँ, रिप्लेस करूँ। अगर आपको भी इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप चाहते हैं कि मेरा एक ही क्लिक में कोई लोगो है या कोई आप कोई क्लिप आर्ट या आप कुछ चाहते हैं कि उसका कलर चेंज कर दें, तो आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद हम यहाँ इफ़ेक्ट में जाएंगे। मैं यहाँ इफ़ेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ एडजस्ट पे क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं, एडजस्ट में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ रिप्लेस कलर में आना है। ये देखिए, यहाँ रिप्लेस कलर में आएंगे और मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा, अभी ये प्रीव्यू है, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ नीचे मेरा कलर वाइट है। अगर यहाँ पर भी आपका वाइट दिखा रहा हो तो आपने क्या करना है, ये है ओल्ड कलर, आप देख सकते हैं ये ओल्ड कलर। अगर यहाँ पर आपका कोई वाइट फल कोई और कलर दिखा रहा हो तो आप यहाँ से ये क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर वाइट की जगह रेड चाहिए या पिंक चाहिए या ऑरेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी रेड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसे प्रीव्यू, ये देखिए आपका कलर जो है एक ही बार में एक ही क्लिक में चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। आप यहाँ से चाहें कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑरेंज करता हूँ, ये देखिए अब आप चाहें यहाँ से कर देंगे ओके, ये आपका कलर हो गया चेंज। देखिए, बिना ट्रेस किए एक ही बार में कितनी आसानी से आप अपने लोगों का कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं किसी दूसरे पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ, ये मैंने ड्रैग करके कोरल ड्रॉ में ले आया हूँ। अभी हम इसे रखते हैं साइड में, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। वो कॉपी मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा। मैं इसका यहाँ से अपने कीबोर्ड से प्लस का जो निशान है, प्लस का जो बटन है उसे प्रेस करूँगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी। आप यहाँ से इसको इस तरह से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। ये देखिए, ये हमारा है। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो हम वही करेंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे। ये मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा, एडजस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये रिप्लेस कलर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने ये, अब हम इसका यहाँ से ओल्ड कलर लेंगे, हमारा ओल्ड कलर है ये। ये देखिए, हम ये प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं इसका कोई और कलर करना चाहता हूँ, मैं ये पिंक कलर। ये देखिए, इस तरह से आप किसी भी तरह से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। कितनी आसानी से आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कोई भी कलर रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं करता हूँ ओके और इसे करता हूँ डिलीट। अब एक और तरीका है, जैसे आप कई बार डिज़ाइन कर रहे होते हैं या आपको कुछ ऐसा वेक्टर टाइप जो आपको बिटमैप होता है जो ट्रेस नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे फटाफट करना है, तो इसका एक और आसान तरीका है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बात बता दूँ, जो मेरा चैनल है यहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए तो मिलेगी, साथ में कुछ ऐसे ऐसी टिप्स भी मिलेंगी जिससे आप अपने वर्क को बहुत ही जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। तो हम दूसरा तरीका इसका क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आप यहाँ पर बिट मैप में जाएंगे। ये देखिए, बिट मैप में जाकर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू बिट मैप आप करेंगे तो यहाँ पर एक बिट मैप का जो बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, बस आपको यहाँ पर आना है कलर मोड में। कलर मोड में आने के बाद आपको यहाँ से, हम ज़्यादातर CMYK RGB या ग्रे स्केल करते हैं, ये देखिए, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्लैक एंड वाइट 1 bit। आप ये सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर दें ओके। जैसे ही आप इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो ये आपका ब्लैक कलर का हो जाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ से इसका कोई भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कलर टूल में आना है। ये देखिए, जो हमारा कलर है, अब यहाँ से आपको
सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मैसेज यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ये देखिए ये ग्रीन हो गया, येलो, रेड। माउस से अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से भी आप अपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, कितने कमाल की आप अपने जो घंटों के काम को कितनी मिनटों में कर सकते हैं कितनी आसानी से। और ये चीज़ें हैं जो आप जब आप कोई डिज़ाइन करते हैं तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आपने देखा होगा आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसमें कोई वेक्टर या लोगो की या कोई ऐसा आइकन होता है उसके आपको यूज़ होता है, आपने ऐड से फटाफट डाउनलोड करके उसके बाद में आपको उसको कलर चेंज करना होता है तो आपको उसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आती तो आप उसको पेन टूल से ट्रेस करते हैं, टाइम ज़ाया होता है, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये जो टिप्स हैं आपको ये बहुत ही कम चैनलों पर देखने को मिलेंगी। तो मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी, जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वर्क को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करेंगी। ये जैसे आपने देखा होगा कई बार ये चीज़ें हैं आपको, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें छुपाई जाती हैं, कोई बताता नहीं है। तो मेरे चैनल पर ये सारी चीज़ें मैं जो भी मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करता हूँ अपने काम को फास्ट करने के लिए, वो मैं आपके लिए सब शेयर करूँगा, आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। तो इस तरह से आपने देखा आप किस तरह से अपने कोई कलर को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।